हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 15 के विविध प्रश्नावली पे और क्वेश्चन नंबर है 1 क्या कह रखिए। 8 प्रेक्षणों का माध्य तथा प्रसरण क्रमशः 9 और 9.25 है। यदि इनमें से 6 प्रेक्षण यहाँ पे ये दिए हुए हैं तो शेष 2 प्रेक्षण ज्ञात कीजिए। तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि माना शेष दो प्रेक्षण एक्स तथा वाई है, ठीक है। दो प्रेक्षण हम लोग एक्स और वाई मान लेते हैं। यहाँ पर 8 प्रेक्षणों का माध्य कितना दिया है? 9 दिया हुआ है। यानी कि अब आपके पास यहाँ प्रेक्षण कौन कौन से हो गए, और हम लोग प्रेक्षण की बात करें तो कौन कौन सा हो गया? तो ये बाकी जो 6 प्रेक्षण दिए हैं वो, और ये एक्स और वाई, यही ना हो जाएगा? 6, 7, 10, 12, 13 एक्स और वाई, ये प्रेक्षण हो गए। और हमारे पास माध्य दिया हुआ है यहाँ पर, माध्य दिया हुआ है यहाँ पर 9। तो माध्य 9 दिया है, तो माध्य निकालने के लिए आप फॉर्मूला क्या जानते हैं कि सभी प्रेक्षणों को जोड़कर उनकी संख्या से भाग कर देंगे। तो 6 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 13 प्लस x प्लस y और बटा में यहाँ पर 8 इक्वल टू में 9, ये जाके गुना कर देगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। और इन सबको जोड़ लेते हैं, इन अंकों को जोड़ेंगे तो 60 प्लस x प्लस y बराबर में 72। 60 जाके उधर घट जाएगा तो x प्लस y बराबर में 12 आ जाएगा। ये समीकरण 1 क्यों ले लेते हैं। अब देखिए, अब हमारे पास यह कह रहा है कि प्रसरण दिया हुआ है 9.925, है ना। प्रसरण दिया हुआ है, वेरियंस दिया हुआ है 9.25। तो हमारे पास यहाँ प्रसरण दिया हुआ है 9.25, और इसके लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं प्रसरण के लिए, 1/n σ i = 1 to कहाँ तक? 8 तक ही है, ठीक है ना जी। यानी n ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ xi - माध्य का होल स्क्वायर, यही ना होता है फॉर्मूला। चलिए, तो 1/n यानी कि 1/8, 8 को प्रेक्षण है। और ब्रैकेट में देखिए, हम लोग यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए सिग्मा किसका डिनोट कर रहा है, सिग्मा सम को डिनोट कर रहा है, किनका? तो प्रत्येक प्रेक्षण में से माध्य को घटाकर उसका वर्ग कर लेना होगा। तो 6 में से 9 को घटाएंगे, माइनस का 3 स्क्वायर कर देंगे, प्लस 7 में से घटाएंगे आपका 9 यानी माध्य, तो यहाँ पर आ जाएगा यहाँ माइनस का 2 का स्क्वायर, फिर प्लस हम लोग, फिर उसके बाद 10 में से घटाएंगे 9 को तो 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर हम लोग 12 में से 9 को घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर, फिर 12 में से 9 को घटाएंगे 3 का स्क्वायर, 13 में से 9 को घटाएंगे 4 का स्क्वायर, फिर प्लस x - 9 का स्क्वायर प्लस y - 9 का स्क्वायर इक्वल टू में 9.25, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, ये जो 8 भाग में है इधर ले जाके गुना कर देते हैं, ठीक है। 8 को इधर ले जाके हम लोग यहाँ पर गुना कर देते हैं, चलिए, और इनको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या होता है। 9 + 4 + 1 + 9 + 9 + 16 यहाँ देखिए a - b² पे x² - 2 × x · 9 + 9² उधर, यहाँ पे y² - 2 × y · 9 + 9² ठीक है, और इक्वल टू में ये 8 जो है इधर जाके गुना कर देगा तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 74 हो जाएगा, 8 जाके इधर गुना कर जाएगा तो 74 ना हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद देखते हैं, इन सबको यहाँ पे देखते हैं ऐड करके, ये सब जोड़ लेंगे यहाँ पे, इसको जोड़ेंगे, फिर 9 का स्क्वायर यहाँ 81, 9 का स्क्वायर यहाँ पे 81, तो सबको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 210, ठीक है, और फिर -18x - 18y + x² + y² = 74। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पे ये आपका 210 है, 210 माइनस 18 कॉमन कर लेते हैं, x प्लस वाई आ जाएगा, और प्लस x² + y² = 74। यहाँ पे हम लोग चाहते थे इसको फॉर्मूले पे भी सेट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, है ना जी, इसको सेट ही कर देते हैं।
210 माइनस का 18 इंटू एक्स प्लस वाई और प्लस इसे हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 2xy इक्वल टू में 74। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं। यहाँ 210 माइनस 18 और यहाँ पे x प्लस वाई है 12, ऊपर हम समीकरण एक में देखे थे, यहाँ भी 12 का स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू में 74। तो यहाँ 210 माइनस 216 और प्लस का 144 माइनस का 2xy इक्वल टू में 74। चलिए अब इसके बाद देखिए, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर लेके चले आते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ आएगा यहाँ माइनस का 6 और ये प्लस का 144, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना, आपका 138 और माइनस यहाँ 74 और इक्वल टू में प्लस का 2xy, समझ गए। यहाँ इसमें से घटा देंगे तो यहाँ 64 आ जाएगा, 2xy का वैल्यू क्या आ गया, 64 आ गया। ठीक है, चलिए तो एक काम करते हैं हम लोग, इसको यहाँ भाग में भेज देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से y का मान क्या हो जाएगा, तो y का मान 64 बट्टा में 2x यानी इससे आप काटेंगे तो 32, तो y का मान क्या हो गया, 32 बट्टा में x। इसे हम लोग कर लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, अब लिखते हैं y का मान समीकरण एक में रखने पर। तो समीकरण एक क्या था जी, x प्लस वाई बराबर में 12, x प्लस वाई की जगह पे 32 बट्टा x इक्वल टू में 12। चलिए अब यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, x हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 32 और इक्वल टू में 12, ये जाकर उधर मल्टीप्लाई करेगा, x स्क्वायर प्लस 32 इक्वल टू में 12x, इसको एक तरफ लेके आते हैं तो हो जाएगा यहाँ पर x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 32 इक्वल टू में 0। चलिए इसका गुणनखंड करते हैं, x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 4x प्लस का 32 बराबर में 0। यहाँ से दो दो में कॉमन कर लेंगे, यहाँ x कॉमन हो जाएगा तो x माइनस का 8 आ जाएगा, माइनस 4 कॉमन होगा तो x माइनस का 8 आ जाएगा, दोनों ब्रैकेट में सेम है, x माइनस 8 को कॉमन कर लेते हैं, यहाँ माइनस का x माइनस 4 इक्वल टू 0, अलग अलग कर देते हैं, x माइनस 8 इक्वल टू 0 और यहाँ से x माइनस 4 इक्वल टू 0, यहाँ से x का वैल्यू 8 आ जाएगा और x का वैल्यू यहाँ से 4 आ जाएगा। केस फर्स्ट देखिए, पहला केस में देखिए x का मान अगर 8 लेते हैं तो y इक्वल टू में क्या था, 32 बटा में x ना, यानी कि 8 कट जाएगा 4 बार में, y का मान 4। केस टू लेते हैं x का मान अगर 4 लेते हैं तो y का मान 32 बटा में 4 8 आ जाएगा, y का मान यानी कि दो जो ऑब्जर्वेशन है 4 8 या 8 4 हो जाएंगे। तो अन्य दो प्रेक्षण क्या क्या हो गया, तो 8 तथा 4 या 4 तथा 8। ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या करें कि 7 प्रेक्षणों का माध्य तथा प्रसरण क्रमशः 8 तथा 16 है, यदि इनमें से 5 प्रेक्षण यहाँ पे ये दिए हैं तो शेष 2 प्रेक्षण ज्ञात कीजिए। तो हम लोग मान लेते हैं कि शेष दो प्रेक्षण x तथा y है, शेष दो प्रेक्षण क्या है, x तथा y है। अब इसके बाद हम लोग देखिए, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, अब हमारे जो प्रेक्षण हुए वह प्रेक्षण कौन कौन से होगा जी, प्रेक्षण तो प्रेक्षण देखिए आपका हो गया 2, 4, 10, 12, 14 x और y, टोटल ये 7 हो गए ना जी। चलिए अब इसके बाद देखते हैं माध्य हमारे पास दिया है क्वेश्चन में, प्रेक्षणों का माध्य यहाँ पर दिया हुआ है, माध्य कितना दिया हुआ है 8, तो सभी को जोड़ देते हैं, 2 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस x प्लस y और बट्टा में यहाँ हो जाएगा आपका 7 इक्वल टू में 8, ये जाकर उधर 56 हो जाएगा और यहाँ इन सबको जोड़ेंगे तो 42 प्लस x प्लस y इक्वल टू में 56, ये जाकर उधर घटेगा तो x प्लस y इक्वल टू में यहाँ 14 हो जाएगा। ये समीकरण हम लोग यहाँ पर क्या ले लेते हैं, समीकरण एक ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रसरण दिया है 16, अब देखिए अब हमारे पास प्रसरण क्या दिया है, यहाँ पे 16 दिया है, तो प्रसरण आपका 16 दिया है तो इसके लिए फॉर्मूला आप जानते हैं 1/n यानी कि 1/7 यहाँ पे सिग्मा आई इक्वल टू 1 to 7 और क्या होता है यहाँ पे एक्स आई माइनस माध्य का होल स्क्वायर, इन होता है फॉर्मूला। तो चलिए यहाँ से हो जाएगा आपका 1/7
और यहाँ पे क्या करेंगे, प्रत्येक जो प्रेक्षण में से हम लोग क्या करेंगे, माध्य को घटाकर उसका वर्ग करेंगे। तो आपका पहला प्रेक्षण क्या था जी, पहला प्रेक्षण है दो, तो दो में से आप घटा दो माध्य आठ को, तो यहाँ माइनस छः आ जाएगा, माइनस छः का स्क्वायर। फिर आ जाएगा यहाँ पर चार में से आठ को घटाएंगे, माइनस चार का स्क्वायर। फिर दस में से आठ को घटाएंगे, यहाँ दो का स्क्वायर, फिर यहाँ चार का स्क्वायर, फिर यहाँ छः का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस आठ का स्क्वायर और प्लस वाई माइनस आठ का स्क्वायर, ठीक है, और बराबर में सोलह, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम लोग आगे यहाँ पर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ पर ये सात को ले जाकर उधर गुना कर देते हैं और इनको आगे सॉल्व करते हैं। छः का स्क्वायर यहाँ छत्तीस, चार का स्क्वायर सोलह, माइनस चार का स्क्वायर सोलह, फिर चार, फिर यहाँ सोलह, फिर छत्तीस, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स इंटू में एट प्लस एट का स्क्वायर, और इसका क्या कर देंगे, वाई स्क्वायर माइनस टू इंटू में वाई इंटू एट और प्लस एट का स्क्वायर इक्वल टू में सोलह में सात से गुना करेंगे तो एक सौ बारह आ जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं क्या हो जाएगा। आठ का स्क्वायर चौंसठ, यहाँ भी देखो आठ का स्क्वायर चौंसठ है ना, और उसके बाद छत्तीस सोलह चार, सोलह चार छः, इन सबको छत्तीस ना होगा जी, इसका स्क्वायर छत्तीस हुआ है। चलिए तो इन सबको जोड़ लेंगे, तो इन सबको जोड़ लेंगे तो आपका आ जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ पे दो सौ छत्तीस और माइनस यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, सोलह एक्स, ठीक है, और फिर माइनस का सोलह वाई और प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर में एक सौ बारह। चलिए यहाँ पे सोलह कॉमन कर देते हैं, दो सौ छत्तीस माइनस सोलह गुना में एक्स प्लस वाई, और यहाँ देखिए इसे हम लोग कर देते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का टू एक्स वाई इक्वल टू में एक सौ बारह। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, दो सौ छत्तीस माइनस सोलह गुना एक्स प्लस वाई का मान यहाँ पे क्या है, चौदह है, अच्छा अब प्लस यहाँ पे चौदह का स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई इक्वल टू में एक सौ बारह। चलिए यहाँ पे दो का सॉल्व करने पे यहाँ देखिए ये यह आपका दो सौ छत्तीस माइनस यहाँ पर इसमें से गुना करेंगे तो दो सौ चौबीस हो जाएगा ना जी। चलिए तो ये आपका हो जाएगा दो सौ चौबीस और इसका एक सौ छियानबे माइनस का टू एक्स वाई इक्वल टू में एक सौ बारह। चलिए यहाँ पे ये घटा देते हैं, तो यहाँ घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, बारह, और प्लस का एक सौ छियानबे, इसको माइनस का एक सौ बारह कर देते हैं और इक्वल टू में माइनस का टू एक्स वाई इधर आके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ इसमें यह घटा माइनस हो, इसमें से घटा देंगे तो यहाँ छियानबे आ जाएगा, छियानबे किसके इक्वल हो जाएगा, टू एक्स वाई के, यहाँ से वाई का मान क्या हो जाएगा, छियानबे बटा में टू एक्स, दो से इसको काट सकते हैं तो दो से काटेंगे तो यहाँ पर ये आपका आ जाएगा अड़तालीस बार में कट जाएगा, ठीक है। चलिए तो वाई का मान क्या आ जाएगा, अड़तालीस बटा में एक्स, ये समीकरण दो लेते हैं, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ लिखते हैं वाई का मान समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक क्या था, समीकरण एक क्या था, तो x प्लस वाई बराबर में था आपका चौदह, x प्लस अड़तालीस बट्टा में x बराबर में चौदह। यहाँ एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर x आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का अड़तालीस बराबर में चौदह, इधर उधर गुना करेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस का अड़तालीस इक्वल टू में यहाँ प्लस का चौदह एक्स आ जाएगा, चौदह एक्स, इसको इधर लेके चले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस का चौदह एक्स और प्लस का अड़तालीस इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस का आठ एक्स माइनस का छः एक्स प्लस का अड़तालीस इक्वल टू जीरो, गुणनखंड कर रहे हैं, ठीक है। इसमें एक्स कॉमन करेंगे एक्स माइनस आठ बच जाएगा, माइनस छः कॉमन करेंगे एक्स माइनस का आठ बच जाएगा, दोनों ब्रैकेट में सेम है, यहाँ पर एक्स माइनस एट को कॉमन कर लेते हैं, यहाँ एक्स बच जाएगा, यहाँ माइनस छः इक्वल टू में जीरो, अलग अलग करते हैं x माइनस आठ इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस छः इक्वल टू में जीरो, तो यहाँ x का मान आठ आ जाएगा, यहाँ से x का मान छः आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर केस फर्स्ट, केस फर्स्ट व्हेन x इक्वल टू में आठ, तो y का मान क्या हो जाएगा, तो y का मान था अड़तालीस बट्टा में x ना, अड़तालीस बट्टा में आठ कट जाएगा, छः आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए फिर व्हेन केस सेकेंड हम लेते हैं, व्हेन x इक्वल टू में छः, यहाँ से y इक्वल टू में क्या हो जाएगा, अड़तालीस बट्टा में छः, यहाँ आठ बार में कट जाएगा, तो यहाँ जो x और y का मान आ गया, ये दो अन्य ऑब्जर्वेशन है, शेष दो प्रेक्षण
शेष दो प्रेक्षण क्या हो जाएगा, आठ तथा छह है, छ आठ या आठ छह लिख सकते हैं, समझ गए। क्वेश्चन नंबर तीन देखिए क्या कह रहा है कि छह प्रेक्षणों का माध्य तथा मानक विचलन क्रमश आठ तथा चार है, यदि प्रत्येक प्रेक्षण को तीन से गुना कर दिया जाए तो परिणामी प्रेक्षणों का माध्य और मानक विचलन ज्ञात कीजिए। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना छह प्रेक्षण जो है, छह प्रेक्षण क्रमश एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स फाइव तथा एक्स सिक्स है, ठीक है। चलिए ये छह प्रेक्षण दिए हुए हैं, अच्छा इनका माध्य दिया हुआ है, यहाँ पर माध्य दिया हुआ है इन सभी का, तो माध्य कितना दिया हुआ है, तो माध्य यहाँ पर दिया है आठ, और मानक विचलन दिया हुआ है, मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया हुआ है, यानी वह कितना दिया हुआ है, चार, ठीक है। अच्छा माध्य यहाँ पर आठ दिया हुआ है, माध्य यहाँ आठ दिया हुआ है, यानी कि हमें यहाँ पर दिया हुआ है सिग्मा, यहाँ वन बाई एन लगा देते हैं, वन बाई एन यानी कि वन बाई सिक्स हो जाएगा, आई इक्वल टू वन टू सिक्स एक्स आई माइनस, सॉरी सिग्मा एक्स आई ना, बस यही ना होगा माध्य के लिए, ऐसे लिख सकते हैं, माध्य की ना हम लोग बात कर रहे हैं, यही हो जाएगा आपका फॉर्मूला, बराबर में आठ दिया है, यह जाके उधर गुना करेगा तो अड़तालीस आ जाएगा, यानी कि प्रेक्षणों का योग यहाँ पर कितना हो जा रहा है, अड़तालीस हो जा रहा है, प्रेक्षणों का योग अड़तालीस हो जा रहा है, यानी कहने का मतलब कि यह जो आपका आया है यह एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस ये कहाँ तक, एक्स सिक्स तक का योग आया है, समझ गए ना, ये कितना है आपका, अड़तालीस है। अब देखिए, अच्छा ये दिया हुआ है, अब यहाँ पे देखिए मानक विचलन, तो मानक विचलन का मतलब यहाँ पे है रूट अंडर वन बाई एन सिग्मा आई इक्वल टू वन टू एन यानी कि वन टू सिक्स हो जाएगा यहाँ पे, तो एन की जगह हम लोग सिक्स ही देंगे तो अच्छा रहेगा ना, छह प्रेक्षण है, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा एक्स आई माइनस माध्य क्या स्क्वायर, यही ना आपके पास चार दिया हुआ है, यहाँ पे चार दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रत्येक प्रत्येक प्रेक्षण में तीन से गुणा करने पर जो आंकड़ा तैयार होगा उसका हमें माध्य क्या होगा और मानक विचलन क्या होगा ये निकालना है। तो तीन से गुणा करने पर थ्री एक्स वन थ्री एक्स टू थ्री एक्स थ्री थ्री एक्स फोर कहाँ तक थ्री एक्स सिक्स तक ये हो जाएगा, ये ना हो जाएगा थ्री एक्स फोर आ जाएगा थ्री एक्स फाइव आ जाएगा और थ्री एक्स सिक्स, यही ना होंगे आपके आंकड़े। चलिए अब देखिए इनका अगर माध्य निकालना होगा, नया माध्य जो होगा वह क्या हो जाएगा, इन सभी आंकड़ों को जोड़ देंगे थ्री एक्स वन प्लस थ्री एक्स टू प्लस थ्री एक्स थ्री कहाँ तक 3x6 तक और बटा में 6, 3 कॉमन कर लेते हैं तो x1 प्लस x2 प्लस x3 कहाँ तक ये हो जाएगा x6 तक और बटा में 6, तीन से इसको काट देते हैं दो बार में, इन सबका योग हम लोग अभी देखे 48 था तो 48 बटा में 2 कट जाएगा, यहाँ पे 24 आ जाएगा, तो नया माध्य क्या हो गया 24 हो गया। अब देखिए यहीं पे हम लोग देख लेते हैं मानक विचलन, यहाँ पे ये चार दिया था, अब प्रत्येक आंकड़ा में तीन से गुणा करेंगे है ना, प्रत्येक प्रत्येक प्रेक्षण में तीन से गुणा करने पर क्या हो जाएगा यहां पर, तो रूट अंडर एक बट्टा छ सिग्मा आई इक्वल टू वन टू सिक्स यहाँ आ जाएगा थ्री एक्स आई और माइनस का देख रहे हैं कि माध्य जो था माध्य आठ था पहले अब चौबीस हो जा रहा है तीन गुना बढ़ जा रहा है तो यानी कि माध्य भी तीन गुना हो जा रहा है माध्य तीन गुना हो जा रहा है ऐसे नहीं करेंगे चलिए अंदर से तीन बाहर निकालते हैं इसको सॉल्व कर रहे हैं यही ना मानक विचलन निकालना होगा ये नया मानक विचलन हुआ ये लिख सकते हैं कि नया स्टैंडर्ड डेविएशन है जगह कम है इसी में आप समझिए
नया स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ये निकाल रहे हैं हम लोग, रूट अंडर 1/6, इसमें से 3 कॉमन करेंगे स्क्वायर है तो 9 हो जाएगा, ठीक है। और सिग्मा आई इक्वल टू 1/6, यहाँ आ जाएगा एक्स आई माइनस माध्य का होल स्क्वायर। चलिए अच्छा, ये जो 6 है रूट से बाहर निकलेगा तो ये 3 ना बन जाएगा, और रूट अंडर अब यह हो गया 1/6 सिग्मा आई इक्वल टू 1/6 एक्स आई माइनस क्या हो जाएगा आपका, माइनस माध्य एक्स आई माइनस माध्य का स्क्वायर। तो अभी इसका मान हम लोग देखे हैं ये क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो इसके जगह पे रख देंगे 4 तो हो जाएगा 3 और गुना में 4, तो नया मानक विचलन जो हो जाएगा वह 12 हो जाएगा, समझ गए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4, क्या कह रहा है कि यदि n प्रेक्षण x1 x2 x3 xn तक दिया है, इसका माध्य x है, अच्छा, और प्रसरण यहाँ पे छोटा सिग्मा का स्क्वायर है, तो सिद्ध करना है कि अगर हम लोग प्रत्येक इसके देख रहे हैं ना, प्रत्येक प्रेक्षण में a से गुना कर देंगे तो माध्य a गुना बढ़ जाएगा और प्रसरण a स्क्वायर गुना हो जाएगा, यहाँ पे यही हमें साबित करना है। तो हमारे पास यहाँ देखिए प्रेक्षण कौन कौन से दिए हैं, प्रेक्षण हमारे पास दिया है x1 x2 फिर x3, कहाँ तक दिया हुआ है, ये xn तक दिया हुआ है, यही ना हमारे पास प्रेक्षण दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रेक्षण xn तक दिया हुआ है। अच्छा, और यहाँ इसका माध्य दिया हुआ है, देख लीजिए माध्य आपके पास कितना दिया हुआ है, चलिए तो यहाँ पर माध्य कितना दिया हुआ है, तो माध्य है हमारे पास यहाँ पे x के ऊपर 12, ठीक है, और प्रसरण दिया हुआ है, प्रसरण दिया हुआ है छोटा सिग्मा का स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो माध्य दिया हुआ है यह क्या है, यह x1 प्लस x2 प्लस x3 कहाँ तक, xn तक के योग और बटा में क्या लिख देंगे, n बराबर में x के ऊपर 12, यानी कि इन सब का योग क्या आ जाएगा, x1 x2 x3 ये कहाँ तक है, xn तक ना दिया है, इन सब का योग किसका, n इंटू माध्य, यही ना हो जाएगा आपका n इंटू x के ऊपर 12। तो अब ये हो गया। अच्छा, प्रसरण की भी यहाँ बात करें तो प्रसरण के लिए फॉर्मूला आप जानते हैं, 1/n सिग्मा आई इक्वल टू 1/n, यहाँ पर क्या होता है एक्स आई माइनस माध्य का स्क्वायर, यही ना होता है जी, यह कितना है यहाँ पर, तो यह दिया है छोटा सिग्मा का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ कह रहा है कि नया प्रेक्षण में नया प्रेक्षण में पुराने प्रेक्षण के या नया प्रेक्षण पहले वाले प्रेक्षण के प्रत्येक अवयव में ए से गुना करने पर प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग यहां पे देख रहे हैं कि ए एक्स वन है, ए एक्स टू है, ये कहां तक चला गया है, ए एक्स थ्री कहां तक ये गया है, ए एक्स एन तक, ठीक है। तो इसका अगर हमें माध्य निकालना है, इसका माध्य निकालना है तो इसका देखो माध्य क्या हो जाएगा, नया माध्य क्या होगा, यहाँ पे नया माध्य क्या होगा, तो सभी को जोड़ दो, सभी को जोड़ देते हैं, ठीक है, कहाँ तक, एक्स एन तक, और बटा में इनकी संख्या से, ऊपर ए कॉमन कर लेंगे तो एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री ये कहाँ तक आ जाएगा, एक्स एन तक, और बटा में आपका क्या है, एन है, तो इन सब का योग क्या है, इसका n इंटू माध्य, यहाँ पे देख रहे हैं जी, n इंटू में x के ऊपर बार और नीचे n है ही, n से n कट जाएगा, a गुना हो गया कि नहीं उस माध्य का। अच्छा, यहाँ पे इसकी बात करते हैं हम लोग, अगर अब हम लोग बात करें प्रसरण की, तो प्रसरण के लिए हम लोग अब हर एक नया प्रसरण क्या होगा, नया प्रसरण क्या होगा, तो नए प्रसरण के लिए हम लोग क्या करेंगे, हर एक अवयव में हमें कितना से गुना कर देना होगा, अच्छा, ए से, तो क्या हो जाएगा नया प्रसरण के लिए
वन बाई क्या था एन सिग्मा आई इक्वल टू वन टू एन, यहाँ पर हो जाएगा ए एक्स आई माइनस ए इंटू माध्य का स्क्वायर, यहाँ ए कॉमन करेंगे तो स्क्वायर के साथ आएगा ना जी, इंटू में वन बाई एन सिग्मा आई इक्वल टू वन टू एन, यहाँ हो जाएगा आपका कितना, यहाँ आ जाएगा एक्स आई माइनस माध्य का स्क्वायर। तो इसका मान हम लोग ऊपर देखे थे, इस प्रसरण का मान, इस पूरे का मान देखे थे, छोटा सिग्मा का स्क्वायर था। हमने ये भी साबित करके दिखा दिया। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे तीन चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पर जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहां जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो और